नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिंगरौली जिले के गौरवी चौकी अंतर्गत सोलंग मोड़ के पास ओम ट्रांसपोर्ट के कोयले परिवहन ट्रैक्टर द्वारा दुर्घटना किए जाने की वजह से दो व्यक्तियों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर के आने और कोल परिवहन मार्ग पर मुख्य सड़क मार्ग से बदलने की मांग को लेकर अड़े रहे। हालांकि देर रात तक हंगामा ऐसे ही चलता रहा। SDM द्वारा दोनों मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने व परिजनों की मांगों पर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन के बाद उनके परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। बताया जा रहा है कि ओम ट्रांसपोर्ट का ट्रैक्टर क्रमांक UP 64 AT 4774 जो कोयला लोड गौरवी बाजार से होकर बरगवां की ओर जा रहा था, जो सोलंग मोड़ के आगे नौड़िया पंचायत के पटपरवा टोला में TVS एक्सल 100 लूना क्रमांक MP 66 AS 5975 में सवार दो मासूमों की जान चली गई। लोगों का कहना था कि विपरीत दिशा से आते हुए कोल वाहन की चपेट में महदेया निवासी श्याम सुंदर विश्वकर्मा, पिता रामानुज विश्वकर्मा उम्र 25 वर्ष, राजबली साहू पिता राम दुलारे साहू उम्र 40 वर्ष, ग्राम हड़बड़ी अक्सर की जान चली गई। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल बरगवां बेड़न थाने का तैनात हो गया था। वहीं दुर्घटना के बाद रोष में आए ग्रामीणों के कारण स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश देते हुए स्थिति को नियंत्रित करने में लगे थे, किंतु लोग मानने को तैयार नहीं थे। कई बार तो गाँव के उपद्रवियों द्वारा जाम में फंसे वाहनों या उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन ओम ट्रांसपोर्ट के ट्रैक्टर में आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उपद्रवी सफल नहीं हो सके। ग्रामीणों की मांग थी कि कोल परिवहन का अन्यत्र मार्ग बनाया जाए तथा कलेक्टर के आने के उपरांत मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने के बाद ही सड़क से शव हटाने और आवागमन चालू करने पर डटे रहे। स्थानीय लोगों का कहना था कि दोनों मृतक अपने परिवार के मुखिया थे, उनके चले जाने पर उनके परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। SDM द्वारा लोगों की मांग पूरी करने पर देर रात जाम हटाया जा सका, फिर सामान्य आवागमन चालू हुआ। पहले एक चीज, अरे सुन लो, देखिए पर समय जगत के लिए सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.